नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सभी का दिल से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में कुंज लाल जुडिशियल एकेडमी। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, माल विक्रय अधिनियम 1930 का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, कहां से ये आया, कब आया, कैसे आया, वही आज हम इस वीडियो में देखेंगे। भागीदारी अधिनियम जो है उसकी भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अभी मैंने आपको नहीं बताई है, लेकिन मैं आपको बहुत जल्दी ही वो बताऊंगी। लेकिन भागीदारी अधिनियम के कुछ वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाले हैं, आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो माल विक्रय अधिनियम हम देखते हैं कि ये कहाँ से आया। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, तो हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, भारतीय संविदा अधिनियम 1872, उसमें ही पहले ये शामिल था और वहाँ से इसे हटा के एक नया एक्ट बनाया गया। अब उसमें कुछ सेक्शंस थे और एक चैप्टर था, उसको हटा दिया गया और एक नए एक्ट का निर्माण हुआ। तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर नंबर 7 था, उसमें जो सेक्शन 76 से लेके 123 तक के सेक्शंस थे, उसको वहाँ से हटा दिया गया और उसे एक अलग एक्ट बना करके उसमें डाल दिया गया, और उस एक्ट का नाम है माल विक्रय अधिनियम। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा, इम्पोर्टेंट है। और अभी जो माल विक्रय अधिनियम हम पढ़ते हैं, सेल गुड्स, उसमें टोटल 7 चैप्टर्स हैं और 66 सेक्शंस हैं। इसके लागू होने की जो तिथि है वो 1 जुलाई 1930 है और राष्ट्रपति की स्वीकृति इसे 15 मार्च 1930 को मिली। ये तो हमने जान लिया। अब हम बात करते हैं इंटर वाइवोस ट्रांसफर की, यानी एक जीवित व्यक्ति का दूसरे जीवित व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण करना ही इंटर वाइवोस ट्रांसफर कहलाता है। तो कोई भी जो सभ्य समाज होता है वहां पर हम संपत्ति का अंतरण करना हमारा लगा रहता है, मतलब लेन देन चलता रहता है। एक व्यक्ति का दूसरे के बिना काम नहीं चलता, दूसरे का तीसरे के बिना, यानी कि समझ लीजिए कि अगर आप सभ्य समाज में रहते हैं तो आपको हर दूसरे व्यक्ति से आपका लेन देन और संपत्ति का अंतरण, ये आम सी बात है। अब जो जीवित व्यक्ति होते हैं उन्हीं वही जो है अपनी संपत्ति का अंतरण करते हैं। अब ये जो जीवित व्यक्तियों द्वारा संपत्ति का अंतरण करना है, यही आप सेल गुड्स में भी पढ़ेंगे और यही आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी पढ़ेंगे। अब सोचने वाली बात है कि जब हम लिविंग पर्सन वाले ट्रांसफर की बात कर रहे हैं तो मरने के बाद जो संपत्ति का अंतरण होता है उसके लिए क्या करेंगे। तो उसके लिए भी है, उसके लिए हमें भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम देखना होगा, जहाँ पे मृत व्यक्तियों की संपत्ति के अंतरण का प्रावधान बताया गया है। तो ये था कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो कि मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो सेक्शन 76 से लेके 123 वाले सेक्शंस थे जो चैप्टर 7 में दिए गए थे, उन्हें हटा के एक नया एक्ट 1930 में बनाया गया। इसमें कितने सेक्शंस हैं, चैप्टर्स हैं, इन्फोर्समेंट डेट, एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट डेट, ये सब आपको याद रखना है। और इसके बाद हम सेक्शंस कवर करेंगे और एक वीडियो जो मेरा पार्टनरशिप का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला बच गया है, वो मैं उसके लिए जल्दी ही कोशिश करूंगे बनाने की। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो बन के देखिए, शायद आपकी कुछ मदद हो। और अपनी कोई भी समस्या हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बात कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो। बाकी फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय बाय, अच्छे से मन लगा के पढ़िए, खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी रहने दीजिए। टेक केयर।